नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी जन स्वराज की लॉन्चिंग को लेकर जोर शोर में जुट गए हैं और पीके की सियासी पार्टी के लॉन्चिंग को लेकर दो सवाल सियासी गलियारों में लगातार उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि जन स्वराज का संविधान कैसा होगा और दूसरा, पार्टी के अध्यक्ष पद की कुर्सी आखिर किसे मिलेगी। इस साल जुलाई के आखिर में प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया था कि पार्टी का पहला अध्यक्ष दलित वर्ग से होगा। बिहार में दलितों की आबादी करीब 19% है और पीके के इस घोषणा को इन्हीं समुदाय को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। जन स्वराज से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष का नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने पूरे बिहार में इस पद को लेकर 100 नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया। जन स्वराज के सूत्रों का ये भी कहना है कि इन्हीं 100 में से कोई एक अध्यक्ष बनेगा, हालांकि कौन होगा ये फाइनल फैसला प्रशांत खुद करेंगे। संगठन से जुड़े एक पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर ये कहा कि भागलपुर के एक गांधीवादी और दलित नेता रेस में सब में आगे हैं और पीके उन्हें पसंद भी करते हैं। फील्ड से उनका नाम भी तय किया गया है तो हो सकता है कि उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि पार्टी के भीतर अब पूर्व ब्यूरोक्रेट्स और जन स्वराज के संविधान निर्माण समिति सदस्य लल्लन जी और चयन समिति के गणेश राम का नाम भी अध्यक्ष पद में काफी आगे चल रहा है। जन स्वराज के चयन समिति के सदस्य गणेश राम एक निजी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहते हैं कि अध्यक्ष घोषणा 2 अक्टूबर को करेंगे, अभी एक फाइनल मीटिंग होनी है जिसके बाद नाम तय किया जाएगा। अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह जन स्वराज भी अध्यक्ष को अधिकार मिलेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर की वजह से शायद ही अध्यक्ष यहाँ ज्यादा कुछ कर पाए। जन स्वराज के संगठनात्मक संरचना में अध्यक्ष के बाद संगठन के महासचिव सब में पावरफुल होने वाले। जन स्वराज को प्रशांत किशोर का पॉलिटिक्स वेंचर कहा जाता है और प्रशांत ही इसे सूत्रधार करेंगे। खुद पीके इस बात को लेकर कहते हैं कि प्रशांत जन स्वराज में सीएम की फेस में भी हैं और वहीं पर जन स्वराज में अब तक जितने भी इन्वेस्टर किए हैं वो सब पीके के ही हैं। जन स्वराज के प्लेटफॉर्म पर भी ये देखने को मिला है और हर जगह पीके भी यही तस्वीर लगी हुई। सूत्रों के मुताबिक 2 अक्टूबर को जो नए अध्यक्ष नियुक्त होंगे वो 2025 के लिए बिहार विधानसभा चुनाव तक अपने पद पर रहेंगे और जन स्वराज में अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए रखा गया और सामूहिक भागीदारी के तहत इस पद पर सभी समुदायों को मौका मिलने वाला। पहले साल दलित और दूसरे साल अति पिछड़ा, तीसरे साल में मुस्लिम और चौथे साल में पिछड़ा और पांचवें साल में सवर्ण समुदाय के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव। जन स्वराज पार्टी अपने अभियान के तहत पूरे बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाएगी और पार्टी के बिहार में 12 लाख पदाधिकारी भी होंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर मुख्य कार्यकारिणी के अलावा एक अभियान समिति का भी गठन किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रल कमेटी सबसे पावरफुल होगी। सेंट्रल कमेटी ने 19-21 सदस्य होने वाले हैं और जन स्वराज ने संविधान भी तय कर लिया। संविधान के मुताबिक विधायकी लड़ने वाले नेताओं के लिए राइट टू रिकॉल सिस्टम लागू किया जाएगा, साथ ही न्यूनतम आहार्त को भी संविधान के अंदर शामिल किया जाएगा। पीके की पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है और लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर किस तरह से पीके का नया पार्टी का अध्यक्ष मिलने वाला है।